जब भी आप कोई लिमिट क्रॉस करते हैं, जब किसी जीव को सताते हैं, किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, प्रकृति को बर्दाश्त नहीं होता है। प्रकृति को बर्दाश्त नहीं होता, प्रकृति जब अपना खेल करती है ना, फिर हम बाद में तोबा तोबा कर उठते हैं कि ये क्या हो गया। ये स्टोरी है एक ऐसी आत्मा की जिसके घर को बर्बाद कर दिया गया, तो उस आत्मा ने बाद में सबको बर्बाद कर दिया। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजय मलिक। दोस्तों, कर्मों के ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और आप लोगों ने इन्हें बहुत अप्रिशिएट भी किया है, समझ भी आपकी बड़ी है। आपने बहुत से लोग लिखते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद मेरे जीवन में बहुत कुछ बदला है, हम कर्मों के प्रति सचेत हो गए हैं कि छोटी से छोटी चीज, छोटी से छोटी बात करते हुए मन अब सोचता है कि कोई गलती तो नहीं हो रही है, कोई नए कर्म तो नहीं क्रिएट हो रहे। जैसे मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा है कि अगर इस जीवन के कर्मों की, अगर इसी जीवन में माफी मांग ली जाए, अगर आपको रियलाइज हो जाए कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है, और आप अभी उसकी सजा मिलने से पहले, उसका फल पकने से पहले अगर आप माफी मांग लेते हैं, तो परमात्मा उस सजा को बहुत कम कर देता है। 100 में से केवल 5 या 7% हो सकता है इतना ही भुगतना पड़े, नहीं तो अगर ये जीवन पूरा हो गया तो बाद में सजा बहुत खतरनाक होती है। बिल्कुल डिट्टो 100 का 100 पूरा पहले वो मिलता है, फिर उस पर ब्याज भी लगता है। ये कर्मों का हिसाब किताब बड़ा खतरनाक है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि इसमें एक स्टोरी है। ये स्टोरी है एक ऐसी आत्मा की जिसके घर को बर्बाद कर दिया गया, तो उस आत्मा ने बाद में सबको बर्बाद कर दिया। ये हमारे पास एक क्लाइंट आए हैं, उन्होंने हमसे ये सवाल किया कि मेरा घर एक बहुत सुंदर परिवार था और मेरा घर, मेरी आंखों के देखते देखते मेरा परिवार बिल्कुल बर्बाद हो गया। मेरे पास कुछ जमीन थी और एक सुंदर परिवार था, पत्नी थी, बेटा था और बेटी, और बहुत सुंदर अच्छा परिवार था, समृद्ध परिवार था, पैसे वैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मेरे बेटे ने कहीं उसका अफेयर हो गया, उसको एक लड़की पसंद आई, उसकी शादी हुई। हमने सब ने मना किया उस शादी के लिए, लेकिन वो नहीं माना और उसने जबरदस्ती उस लड़की के साथ, मतलब एक तरीके से शादी की कि हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर भी उसने शादी की। फिर अंत में हमें उसे मानना ही पड़ा। जब से वो बहू घर में आई, चीजें बर्बाद होनी शुरू हो गई। जो कुछ भी अपना था सब छूटने लगा, रिश्ते हमारे खराब होने लगे, हम बीमार रहने लगे, मैं बीमार हो गया, मेरी पत्नी बीमार हो गई, और इसी तरह से जो उसने हमारे हमारे घर के जो हमारी एक जमीन पड़ी थी, वो जमीन भी हमने कोई सौदा किया, किसी को बेचा, वो जमीन जो है उसने धोखे से वो जमीन पूरी अपने नाम पे करवा ली और हमारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। कुछ मतलब जो जमीन की कीमत थी उसका कुछ 10% भी हमारे पल्ले नहीं पड़ा, ऐसी बुरी हालत हो गई। और हमारे परिवार में जो कुछ भी था, वो धन संपत्ति, वो धीरे धीरे सब नष्ट होने लगा, सब खत्म होने लगा। आखिर हमने ऐसा क्या किया, इस बहू ने ऐसा, ये बहू हमारी कौन लगती है, क्या हुआ ऐसा? तो इसका जब स्टोरी के लिए हमने पास्ट लाइफ देखा, तो ऑनलाइन पास्ट लाइफ अभी पॉसिबल है। आप फोटो भेज के और अपनी फोटो भेज के हमारे नंबर पे फोटो भेज के और आप उसे अपने क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं। हम आपको कुछ दिनों का टाइम लगता है उसमें, 2-3 हफ्ते के करीब टाइम लगता है, फिर हम आपको बताते हैं उसमें, क्योंकि समय बहुत सारी लंबी लिस्ट हमारे पास पड़ी है। तो हमने जब उसका पास्ट लाइफ देखा, तो एक स्टोरी जो सामने आई, काफी डरा देने वाली स्टोरी है वो, तो ये सबको सीख देने वाली भी है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो हुआ क्या कि जब हमने देखा कि ये व्यक्ति जो आज ये है, तो उसने देखा कि मैं इनका नाम नहीं ले सकता, तो इन्होंने देखा कि पिछले जीवन में ये एक गांव के सरपंच हैं, अच्छा खासा जमींदार हैं, खुद को बड़ा रुतबा है, बड़ा परिवार है और खूब पैसा वैसा खूब है। तो जमींदार हैं, तो जमींदार क्या मतलब है कि सरपंच हैं, जमींदार हैं, तो लोगों को उधार देते हैं, तो पैसा उनसे ले लेते हैं और उसके बाद जो है उनको उधार पे वो दे देते हैं और ब्याज बहुत ज्यादा उनसे वसूल करते हैं। आमतौर पर तो ये रहता ही है इन लोगों को, तो ब्याज कोई जब पर्सनल लेवल पर लिया जाता है तो लोग 2%, 3%, 4% महीने का ब्याज लोग लेने वाले बैठे हैं, बहुत लोग लेते हैं 3-4, 10-10% तक ब्याज ले लेते हैं एक महीने का, इतनी हालत खराब है। तो ये पहली बात, तो देखिए एक एक चीज का हिसाब है। जब भी आप कोई लिमिट क्रॉस करते हैं, जब किसी जीव को सताते हैं, किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, प्रकृति को बर्दाश्त नहीं होता है, प्रकृति को बर्दाश्त नहीं होता, प्रकृति जब अपना खेल करती है ना, फिर हम बाद में तोबा तोबा कर उठते हैं कि ये क्या हो गया। तो इसने देखा कि एक व्यक्ति जो है वहां पर इसके सामने एक बार जिस कोई नाम था उसका, उस कोई किसान था जिसने इनसे उधार लिया था। जमींदारों के पास होता था पैसा, क्योंकि जो आम छोटे लेवल के किसान होते थे, उनके पास कोई पैसा नहीं होता था, उन्होंने पैसा इससे इनसे उधार लिया। फसल नहीं हुई, पैसा नहीं लौटा सका, तो इसने अपने बंदे भेजे, जो गुंडे टाइप के बंदे होते हैं, उनको भेजा कि उसका सामान जो है ना उसको घर से हटा दो, उसकी जमीन छीन लो, उसकी जमीन अपने नाम पे कर लो। उसने बहुत गिड़गिड़ाया, इनके हाथ पैर जोड़े कि माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो, मेरा परिवार बिल्कुल सड़क पे आ जाएगा, मेरे बच्चे रुल जाएंगे,
मेरी पत्नी जो है वो दुखी हो जाएगी, मेरे पति मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा, प्लीज प्लीज मुझे क्षमा कर दो, प्लीज मुझे क्षमा कर दो, मेरे को माफ कर दो। ऐसा करके इन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन इनको बिल्कुल उन्होंने एक नहीं सुनी और अपनी मर्जी के हिसाब से जो उसका उसकी जमीन को जो है ना छीन लिया, उसके ऊपर जो कर्ज था वो बेचारा ने देखा इतनी बुरी हालत में आ गया, उसका इतना अपमान हुआ तो उस किसान ने आत्महत्या कर ली। जब उस किसान ने आत्महत्या कर ली तो उसकी पत्नी वो इतनी दुखी थी, इतनी परेशान थी, उस कितनी सोच के देखो उसके दिल पे क्या बीती होगी। तब उसने ये कसम खाई थी, उसने कहा कि मैं किसी भी रूप में आकर तुमसे बदला लूंगी और तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगी जैसे तुमने मुझे बर्बाद किया है। और ये जमीन जिसके लिए तुमने हमसे मेरा हक छीना, ये जमीन तुम्हें कभी रास नहीं आएगी, आगे जमीन पर तुम्हें कभी रास नहीं आएगी। अब देखो अब ये शाप कैसे आता है, किसी की जमीन पे तुमने कब्जा कर लिया, चलो ठीक है उसने तुमसे कुछ पैसे लिए थे वो नहीं लौटा पाया, लेकिन अब उसका समय देखो, चीजें बदली। जब ये बदली, अब ये जो स्त्री है यही इनके घर में बहू बनकर आई, इसके बेटे की पत्नी बनकर आई। अब ये पत्नी बनकर आई तो जैसे ही आई है उसने समझो कि घर में कदम रखा और चीजें तबाह होनी शुरू हो गई, क्योंकि इसकी दृष्टि वैसी ही। अब आई तो बहू बनके इस जीवन में तो उसके मन में ऐसा बुरा संकल्प नहीं है, लेकिन वो संकल्प एक बार लिया हुआ जो बीज डाला हुआ है वो बीज खत्म नहीं होता। अब उसका मन जहां पर भी वो तबाही मचाती है, वो जिस पे भी हर बात को डिस्ट्रॉय करते हैं, जब भी बात करते तू तड़ाक करके गुस्से से चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो एक दिन सेठ कहीं वो जो पर्सन थे ये कहीं थे दूर बाहर गए हुए थे, तो पत्नी घर पे जब अकेली थी तो उसकी बहू ने जो है ना उनको बहुत बुरा भला कहा, बहुत गंदे वाला गालियां वालियां दी, कुछ कहा ऐसे करके, जो बातें सिमिलर बातें जब उन्होंने इसके पति को बोली थी, वो सिमिलर बातें वो अपना बदला ले रही है किसी ना किसी रूप में, हर एक से बदला ले रही है। इनकी पत्नी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है, याद रखना, जब क्योंकि जब पति जो कार्य करता है पत्नी को बताता तो है ही, और पत्नी क्या उसके उस कार्य में सहयोग करती है या नहीं करती, अब ये डिपेंड करता है। पत्नी वो भी कहीं ना कहीं सहयोग करती रही होगी, हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं ले लो, ये है ही लोग बुरे, ये इसी लायक है कि इनकी जमीन छीन ली जाए, और जमीन छीन ली। अब वो जब जमीन छीन के यहाँ पर ली है इन्होंने, तो अब वही जो जमीन इस जीवन में भी अब चीजें बदली, सब कुछ बदला, लेकिन इस जीवन में जमीन इनकी अपनी ना हो पाई। जो इन्होंने बोला था कि मेरी जमीन चली गई, जायदाद चली गई, उसके साथ जो जुड़ा हुआ पैसा था जगह जगह लगा वो भी चला गया, घर पूरा बर्बाद हो गया, कोई फैक्ट्री कंपनी थी उसमें बहुत बड़ा नुकसान इनको उठाना पड़ा, क्योंकि जो शाप है वो बड़ा बुरा होता है, किसी भी गरीब व्यक्ति की आत्मा को सताया हुआ जो शाप है बड़ा बुरा होता है। फाइनली इसने कहा कि मेरी पत्नी ने जब उस बहू ने बहुत बुरी वाली सुनाई उसकी माँ को, अपनी सास को, और उसकी सास ने सुसाइड कर लिया, मतलब ये बदला जो है कि मैं अपने पति की याद में तड़पी थी, मैं अपने पति के मरने के बाद, उनकी सुसाइड करने के बाद जैसे मैं तड़पी थी, अब तुम भी तड़पो अपनी पत्नी के मरने के बाद, ये बदला है। और जो मेरे से तुमने छीना, मेरे पति से जो जमीन छीनी वो तुम्हारी भी जमीन छीन गई। देखो है ना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आसान नहीं है, ये सुनना बड़ा बुरा लगता है, लेकिन हमारे ही कर्मों का दोष है। जरा ध्यान पूर्वक, जरा समझ पूर्वक अपने कर्म करना, क्योंकि जब हिसाब किताब होगा तो चर्चा नहीं है किसी का। जब हिसाब किताब करेगा तो वो हमारे अंकल नहीं लगते कि वो हमारा फेवर कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं, हिसाब सबके साथ बराबरी पर होगा। तो बी वेरी 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 केयरफुल, पूरे ध्यान पूर्वक इस चीज को दिमाग में बिठाएं, और ऐसी कोई गलती, ऐसे कोई कर्मों से बचें हमेशा। अगर कोई गलती हो भी जाए तो माफी मांगे, माफी प्रार्थना सुबह शाम डेली कर लिया करें। माफी प्रार्थना क्या है, मन से, वचन से, कर्म से, इस जीवन में या पिछले जीवन में, जाने में या अनजाने में, अगर मैंने कभी किसी को तकलीफ दी हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो। ये माफी प्रार्थना हमारी प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस संजीव मलिक के नाम से वीडियो है, उसमें भी डाली हुई है, आप वो देख सकते हैं, आपको अच्छे से इनसाइट मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने भी आपको जरूर समझ दी होगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।